पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे सुधांशु जी महाराज ने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक संक्रांति का युग चल रहा है। समाज के बीच में बहुत तरह का तनाव, दबाव और डर और अनेक प्रकार की विषमताएं भी साथ खड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं, उसका प्रभाव ये हो रहा है कि पूरा विश्व युद्ध की आशंका जता रहा है। इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें हम सभी को स्थिर होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महामारी ने हम सभी को एक बड़ी शिक्षा दी, लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि हम भूल गए थे कि हमें अपने बड़ों के साथ व्यवहार और प्रेम प्रदर्शित करना है। महामारी ने हमें समझाया कि आखिरकार प्रेम होता क्या है। उन्होंने कहा कि महामारी का एक बड़ा विचित्र परिणाम भी सामने आया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग बहुत तेजी के साथ बढ़ा। इसका परिणाम ये रहा कि अपनों के साथ बैठकर भी लोग अपनों के साथ नहीं होते। सबसे ज्यादा समस्या इसी तरह की आ रही है। इसी के साथ उन्होंने मुरादाबाद पर बोलते हुए कहा कि मुरादाबाद एक युग की नगरी है। विकास और उन्नति की स्थिति देखने को मिल रही है। विकास की ऊंचाइयों को छूता ये मुरादाबाद हर दिन नए आयाम छू रहा है। पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट और अपने बहुत सारी स्मृतियां मुरादाबाद छोड़ता है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुरादाबाद एक बहुत सारे लोगों की मुराद करने वाला शहर बनेगा। मुरादाबाद की जो औद्योगिक विकास और उन्नति की स्थिति देखने को मिल रही है, दिखाई देता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स और अपनी बहुत सारी अच्छी स्मृतियां दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुरादाबाद एक बहुत सारे लोगों की मुराद पूरी करने वाला बन सकेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस शहर को नज़र नहीं लगनी चाहिए, ये विकास की राह पर और आगे बढ़े। और यहाँ जब हम देखते हैं कि औद्योगिक इकाइयाँ विकास की तरफ बढ़ेंगी, उसी के साथ में बहुत सारे पेट, बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आँखें साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो एक विकास का मार्ग और ज़्यादा खुलता है। तो उसके लिए हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इस नगर को और अधिक सुशोभित कर सकें। तो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रेम प्यार की नगरी रही है तो उसमें कोई हमारी मुस्कराहट को नज़र लगाना चाहे, छेड़ना चाहे, तो उसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा कि हर चेहरा मुस्कराता हुआ नजर आए, हर घर में प्रेम और सुख शांति हो, ऐसी मंगल कामना मुरादाबाद के लिए करता हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम है मुरादाबाद में आपका रहेगा, क्या भावना है और क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और विशेष रूप से गीता, उनको आधार बना करके जीवन शैली को और बेहतर करते हुए हम अपने जीवन को आनंदित कर सकें और ज़्यादा प्रफुल्लित होकर प्रेमपूर्ण होकर के जी सकें, अपने रिश्तों को हम जो है थोड़ी उदारता से और बर्दाश्त करके निभा सकें, और अपने भाईचारे को हम लोग और अधिक सुदृढ़ कर सकें, इस बात के लिए हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी। जी, एक सवाल मेरा यह है, अपना धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको लेकर जो है राजनीति हो रही है, जैसे स्वामी प्रसाद महोदय ने विवाद कराया चौपाइयों पर और अन्य भी है, क्या लगता है राजनीति में ऐसे धर्म ग्रंथ को लाना? देखिए, वो राजनीतिक लोग जो है अपने ढंग से अपनी चीज़ें करते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच अलग है और जो जनमानस है उसमें तो मानस भी है और उसमें तो जो है मानवता भी है, वो तो रहेगी, उसको कोई नहीं हिला सकता। चौपाइयाँ हटाने तक की बात नहीं है। देखिए, कोई किसी के चौपाई को परेशान करे या चौपाइयों के बारे में बोले या चारपाई को हिलाने की कोशिश करे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये देश है ये धर्म संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ देश है, ये तो हमेशा इसी तरह से समृद्ध रहेगा। यहाँ किसी एक व्यक्ति के टिप्पणी से कभी भी कुछ नहीं होता। कभी कभी कोई बड़ी कोशिश भी करे एक कंकर फेंक करके इस समुद्र को हिलाने की, समुद्र तो अपने आप में बहुत गहरा है और हिंदू समाज एक विशाल उदारता को लेकर के जीता है, तो हिंदू समाज जो है सबका सम्मान करता है। लेकिन राजनीति के कारण कोई अगर कुछ बयान देता है
उसका उत्तर देने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। गुरु जी, क्या अगर संस्कृति लगातार आपको लगता है कि क्या समाज में जो संस्कृति है हिंदू समाज की, क्या उसमें गिरावट आ रही है या बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, एक होती है प्रकृति, जिसको हम कहेंगे खुद खा लेना प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है। अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट भर के और उसको मुस्कुराहट देकर खुश हो जाना, यही संस्कृति है। और ये संस्कृति जब बढ़ेगी तो मानवता बढ़ेगी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।